अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इंफॉर्मेटिव हिस्ट्री बाय यूसुफ में। आज हम बाइजेंटाइन सल्तनत की तारीख जानेंगे। अगर आपने बाइजेंटाइन तारीख की पीछे दो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उस दोनों को पहले देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मकदूनियाई खानदान 9वीं सदी से 11वीं सदी तक के दौरान सल्तनत ने दोबारा तोसी की और 2 सदियों पर मोहित मकदूनियाई निषाद सानिया का तजुर्बा किया, जिसका खात्मा 1071 में मंजीकृत की जंग में सलजोक तुर्कों के हाथों शिकस्त के साथ हुआ। सलजोक के हमले के नतीजे में बेशतर एशियाई माइनर को नुकसान पहुंचाया। कोमनियन बहाली के दौरान सल्तनत बहाल हुई और 12वीं सदी तक कुस्तुनतुनिया यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। सल्तनत को 14वीं सलीबी जंग के दौरान एक जानलेवा धचका लगा, जब 1204 में कुस्तुनतुनिया को बरतरफ कर दिया गया और वो इलाके जिन पर सल्तनत पहले हुकूमत करती थी मुकाबला बाइजेंटिनी यूनानी और लातिनी दायरों में तकसीम कर दी गई। 1261 में कुस्तुनतुनिया की हतमी बहाली के बावजूद बाइजेंटिनी सल्तनत अपने वजूद की आखिरी 2 सदियों तक उस इलाके में कई छोटी हरीफ रियासतों में से सिर्फ एक रही। उसके बाकी मानदा इलाकों को 14वीं और 15वीं सदियों में बाइजेंटिनी उस्मानी जंगों में आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों ने अपने कब्जे में ले लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।